एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कुछ नया करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। दिस कंटेंट इज समथिंग वेरी न्यू एंड मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ ये कंटेंट बनाने में। जैसे कि फरवरी मंथ में मैं गई थी भूटान में and I think in the second week I went to Bhutan for a trip with my friends and it was wonderful. मैंने vlogs upload किया, मैंने सारे important details दिए हैं। अगर आपको Bhutan के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी details और information चाहिए, you can just watch my vlog. I know थोड़ा सा lengthy है, थोड़ा सा long video, it will be like half an hour का video है, but have patience. I'm pretty much sure मैंने जितने सारे information दिए हैं मैंने अपने vlog में, it will be very helpful for you all. But now आज के content की बात करते हैं। तो जब मैं March month में lockdown start हुआ India में and I noticed all of a sudden that एक content बहुत ज्यादा वायरल हो गया है पूरे इंटरनेट में। What is that content? That is Dalgona coffee. Yes, I mean like crazy. Everyone was like making Dalgona coffee and right now ये बना रहे Dalgona coffee. And so I was like, fine, Dalgona coffee, interesting. But you don't have to worry about it. No, just wait. मैं डलगोना कॉफी नहीं बनाने की बात कर रही हूँ, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग की बाकी जगह पे क्या हो रहा है डलगोना कॉफी को लेके, क्योंकि वो ट्रेंड में है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्रेंड से हटके करते हैं आप लोगों के लिए कुछ, मतलब ट्रेंड भी है डलगोना कॉफी, बट आई थॉट कि चलो कुछ ट्रेंड से अलग, मतलब यू नो ट्वाइलाइट क्वीन भी किस टाइप में करते हैं। सो जैसे कि लॉकडाउन ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है एंड फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ मेरा सबसे फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। द मेन रीजन लॉकडाउन के लिए यही है कि डोंट गो आउटसाइड, बहुत क्राइसिस होगा तभी आप लोग बाहर जाइए, या तो मेडिसिन खरीदने के लिए या फिर एसेंशियल प्रोडक्ट्स और एनीथिंग विच इज वेरी, मतलब लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में, अदरवाइज इट्स नॉट, इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि जो ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जैसे कि आपको भी पता है इंडिया का जो नंबर है नोवेल कोविड 19 के पेशेंट्स का, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो इट्स वेरी स्केरी एंड ऑन द अदर साइड इट्स वेरी सैड आल्सो। आप लोग घर पे हो, आप लोग को हेल्प करने के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। Yes. जैसे कि आई एम बंगाली, तो बंगाली में एक कहावत है कि मीठा खाओगे आप तभी ना मीठी मीठी बातें करोगे। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है लाइक बचपन से, और इस लॉकडाउन के चलते सारे मिठाई के दुकान, हलवाई के दुकान बंद है, और इंस्टेंट मिक्स, मैं एक्चुअली जब मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं जब अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करी उस टाइम पे, इन दैट पीरियड मिक्स खरीद के लाती थी घर पे एंड उससे मैं गुलाब जामुन बनाती। एंड दिस पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी कैन नॉट गो आउट एंड परचेज इंस्टेंट मिक्स फॉर गुलाब जामुन। तो ये रेसिपी बेसिकली मेरी मम्मी ने मुझे साथ शेयर किया है कि उन लोग के टाइम पे वो लोग गुलाब जामुन बनाते थे घर पे विदाउट यूजिंग इंस्टेंट मिक्स। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो अप करोगे और घर पे ट्राई करोगे तो आप लोग भी इंस्टेंट मिक्स खरीदना छोड़ दोगे। यू विल जस्ट प्रेफर टू यूज माई रेसिपी एंड यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मनी फॉर बाइंग इंस्टेंट मिक्स फॉर गुलाब जामुन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग गुलाब जामुन। Let's get started. तो मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बॉल लिया है टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है, लेट मी शो यू गाइस। तो ये वाला जो है दिस इज पाउडर मिल्क 9 टेबलस्पून। उसके बाद आई टुक 3.5 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर एंड फिर मैंने कर्ड लिया है, कर्ड या
2 टेबलस्पून है एंड यहाँ पे मैंने सूजी लिया है। यहाँ पे सूजी कुछ ज़्यादा नहीं है, इट वी रिक्वायर्ड अराउंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ सूजी। एंड यहाँ पे मैंने मिल्क लिया, साथ में है घी एंड मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। तो बेसिकली मेरे पास बेकिंग सोडा है नहीं, तो मैं इसी से काम चलाऊंगी। सो यस गाइस, राइट नाउ मैं यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने वाली हूँ। जैसे कि जो जो मैंने मेजरमेंट दिया है ठीक वही सारे आपको मेजरमेंट्स लेने हैं और आपको मिक्स करना है पहली बात। एंड उसके बाद 5 से 10 मिनट तक यू हैव टू नीड इट थॉरली सो दैट आपका जो डो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। एट सम पॉइंट जब आप नीड करना स्टार्ट करते हो, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, तो आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा घी लेके आप अपनी डो को स्मूथ बना सकते हो। सो यस, कभी आपको स्टिकी लगे डोंट पैनिक, इट्स वेरी नॉर्मल। तो घी लेके आपको उसे स्मूथ लेना है, बट रिमेंबर ज़्यादा घी नहीं लेना है, नहीं तो जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। एंड बीच बीच में आप थोड़ा सा मैदा ले सकते हो टू मेक इट मोर सॉफ्ट एंड मोर स्मूथ। तो देखिए मेरा यहाँ पे डो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। और आपको कैसे चेक करना है, ठीक इसी तरीके से अपना एक फिंगर लेना है एंड सॉफ्टली प्रेस करना है। अगर वो बाउंस बैक करता है देन इट मीन्स दैट द डो इज रेडी। सो यस गाइस, डो रेडी हो चुका है और अभी हम लोग डो से छोटे छोटे पोर्शन में सर्कल का शेप वाला गुलाब जामुन बनाएंगे। हमेशा याद रखना गाइस, जब भी हम लोग ये छोटे छोटे शेप्स बनाएंगे वो स्मूथ होना चाहिए, किसी भी तरीके का क्रैक्स या फिर लाइंस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग जब फ्राई करेंगे तब वो टूट जाएगा, फट जाएगा, तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। सो यस, ये हमारा बन गया गुलाब जामुन के राउंड वाले शेप, टोटल 9 बने हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ और एक तरीके का शेप, हमारे पास सिर्फ है। सो आपने हलवाई की दुकान में देखा ही होगा कि गुलाब जामुन प्रेफरेबली 2 शेप का बनाया जाता है, एक सर्कल और दूसरा है सिलेंड्रिकल शेप। तो यहाँ पे मेरी डो से थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, तो उससे मैं सिलेंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन बनाऊंगी। एंड यहाँ मेरा सिलेंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन बन गया है। तो अभी हम लोग इसको फ्राई करने ले जाते हैं। तो हमारा तो गुलाब जामुन रेडी है फ्राई होने के लिए। दिस आर दी शेप्स, परफेक्ट। एंड मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी लिया है चाशनी बनाने के लिए। एंड मैंने 1 कप भी लिया है सो दैट टू मेजर वाटर, और हमें चाहिए पानी। नाउ सो गाइस, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और यहाँ पे मैं गुलाब जामुन फ्राई करने वाली हूँ। तो जब तक तेल गरम नहीं हो जाता है तब तक चाशनी बना लेते हैं, दैट इज शुगर सिरप, लेट्स गो। ये रही हमारी चीनी और इसको हम डाल देंगे यहाँ पे एंड उसके बाद चीनी देंगे, उतना ही हमें पानी भी देना है। मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी लिया है, उसी 2 कप में मैंने मेजर करके पानी लिया है। ये हमारा चाशनी रेडी हो रहा है और साथ में मैं यहाँ पे 3 इलायची तोड़ के देने वाली हूँ चाशनी में। हमेशा याद रखिएगा, जो सिरप हम लोग बना रहे हैं शुगर का, उसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, मीडियम थिक करना है। ज़्यादा थिक करने से क्या होगा, वो गुलाब जामुन के अंदर घुसेगा नहीं। तेल गरम हो चुका है, मीडियम गरम हो चुका है, तो अभी हम लोग बहुत ही धीरे धीरे एक एक करके गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। रिमेंबर गाइस, बी अलर्ट, एक साथ सारे गुलाब जामुन मत डाल देना, नहीं तो तेल छिटक के आपके ऊपर गिर जाएगा, जो कि मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार। सो यस, धीरे धीरे एक एक करके कढ़ाई में दीजिएगा गुलाब जामुन और मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम में नहीं। अगर आप हाई फ्लेम में फ्राई करोगे तो गुलाब जामुन अंदर से नहीं पकेगा,
हमेशा याद रखिएगा मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है आपको, सो दैट वो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए। हमारे सारे गुलाब जामुन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। अभी हम सारे गुलाब जामुन चाशनी में डाल देंगे और अभी देखिए ये चाशनी में फ्लोट हो रहा है बिकॉज़ अभी तक ये जो चाशनी है गुलाब जामुन के अंदर घुसा नहीं है। और आफ्टर 20 मिनट्स देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर घुस चुका है और हमारा हलवाई की दुकान जैसा गुलाब जामुन रेडी है, और वो भी विदाउट यूजिंग इंस्टेंट मिक्स। सी हाउ डिलीशियस इट इज़ लुकिंग, एंड अगर आप ट्राई करोगे घर पे तो देखिएगा इसका टेस्ट भी दुकान जैसा ही अच्छा आएगा। आई रियली होप कि आप सबको मेरा ये रेसिपी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप। एंड यस, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इट जस्ट मोटिवेट मी टू मेक मोर कॉन्टेंट एंड कम अप विद न्यू डिफरेंट कॉन्टेंट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल ऑलवेज गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू कॉन्टेंट। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम एंड एंजॉय योर क्वारंटाइन। बाय बाय।